वेलकम टू सेवन अकाउंट्स क्लासेस। आज हम इस वीडियो में अकाउंट रिवॉल्यूशन अकाउंट्स के असाइनमेंट में से क्वेश्चन करेंगे। कुछ क्वेश्चन नंबर 4 करूँगा मैं इस असाइनमेंट वीडियोस में, और भी आगे के भी करूँगा 5, 6, 7th और 1/3 और 2nd सर ने पहले ही करवा चुके हैं अपनी वीडियोस में। अगर आपने नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आप वहां से देख सकते हो। और अगर ये असाइनमेंट किसी बच्चे के पास नहीं है तो वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वो वहां से डाउनलोड कर सकता है बहुत ईजीली। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं बड़े ही ध्यान से। ओम राम एंड शांति वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट रेशो इन 2:3:2:1। ठीक है, दे डोनेट 10% ऑफ देयर प्रॉफिट टू एजुकेशन ऑफ अ पुअर गर्ल चाइल्ड। ठीक है, ऑन 1 अप्रैल 2020 देयर बैलेंस शीट वॉज एज फॉलो। ठीक है, उनकी बैलेंस शीट दे रखी है, और ये वाला पॉइंट जो है ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन के लिए कभी कभार आ जाता है, इसको हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, अभी हम सिर्फ रिवॉल्यूशन अकाउंट ही डिस्कस करेंगे। तो बैलेंस शीट में आपको लाइबिलिटी और एसेट्स दे रखे हैं, उसके बाद फर्स्ट पॉइंट दे रखा है हनुमान है एडमिट हो रहा है, मतलब एडमिशन का चैप्टर है, पर हमें क्या देखना है सिर्फ रेवोल्यूशन वाले पॉइंट। तो ही विल ब्रिंग 1 लाख फॉर हिज कैपिटल एंड विल गेट 1/10 ऑफ शेयर। हनुमान के लिए सारी बातें करी गई है कि वो कैपिटल इतने ला रहा है, इतने शेयर के लिए आ रहा है, ये सब कुछ एडमिशन से रिलेटेड है, हमें रेवोल्यूशन में इसका कोई काम नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, अ लाइबिलिटी ऑफ 18,000 विल बी क्रेडिट अगेंस्ट बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड। बी बिल्स रिसीवेबल के ऊपर एक हमें लाइबिलिटी बनानी है, तो आइए देखते हैं। अगर लाइबिलिटी बढ़ती है तो यहाँ आती है लॉस वाली साइड, तो ये लाइबिलिटी के किसके ऊपर है, तो उसी के नाम से भी आ जाएगी, क्या है, बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड, साथ साथ चलेंगे कितने की है 18,000, तो 18,000 पूरे आ जाएंगे यहाँ पे। ये होती है हमारी लॉस वाली साइड, ये होती है हमारी प्रॉफिट वाली साइड, क्रेडिट वाली। ठीक है, रिवॉल्यूशन का फॉर्मेट मैंने पहले से ही बना रखा था, ये डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर्स अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट्स। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अ लाइबिलिटी, द वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड फर्नीचर विल बी रिड्यूस बाय 20%। फर्नीचर और स्टॉक की जो वैल्यू है वो कम हो गई है 20%। यहाँ पे लिखा है बाय में हमेशा डायरेक्ट अमाउंट आता है, सर ने बताया बार बार, इसके लिए हमें थोड़ी कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैंने एक अलग से शीट रखी है कैलकुलेशन के लिए, तो इसमें मैं लिख देता हूँ फर्नीचर जो है हमारा बैलेंस शीट में, फर्नीचर है हमारा 2,33,000, इसका 20% हम निकालेंगे, तो 20% निकालना देखिए ऐसे 0,0 कटी 0,0 कटी। ठीक है, और मल्टीप्लाई हो गया तो ये आ गया 4,66,00, 46,600 से फर्नीचर तो रिड्यूस हो रहा है। अब एसेट भी अगर रिड्यूस होती है तो भी यहाँ ही आती है, किसके नाम से आएगी, टू फर्नीचर, फर्नीचर अकाउंट कितने से हो रही थी 46,600 से। ठीक है, ये तो हो गया, अब करते हैं स्टॉक की बातें। स्टॉक था हमारा बैलेंस शीट में 1,11,000, ओके 1,11,000, ये भी 20% से रिड्यूस हो रहा, तो 20/100 कर देंगे, 0,0, 0 से 0 कट, ये आ गया 22,200। ठीक है, इसको भी हम यहाँ पे डालेंगे क्योंकि ये कम हो रहा है, और मैंने पूरा ही 20% निकाल के अमाउंट यहाँ डाल दिया क्योंकि क्वेश्चन में लिखा था बाय, तो बाय में हमेशा डायरेक्ट अमाउंट आता है। ठीक है, तो अगला पॉइंट है हमारा द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज बाय 10%। अब इसमें भी इंक्रीज बाय लिखा हुआ है, तो इसमें भी डायरेक्ट आएगा, अब है 3,64,000 का 10%। ये बहुत आसान है, ये इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज होती है तो हमारा इस साइड आता है हमेशा, किसके नाम से आएगा, बाय लैंड एंड बिल्डिंग। जब भी 10% हो तो आपको 10% निकालने की ज़रूरत नहीं है बार बार, आप सिर्फ एक ज़ीरो हटा के लिख सकते हो, तो वो भी उसका 10% ही होता है, ये बहुत सभी को वैसे पता तो होता ही है, फिर भी मैंने बता दिया। ठीक है, तो ये हमारा रिवॉल्यूशन अकाउंट ख़त्म हो गया, इसमें और कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो चलिए इसे क्लोज करते हैं। अब क्लोज करने के लिए हमें कुछ नहीं करना होता, बस दोनों साइड की टोटलिंग करनी होती है, तो इधर का आ रहा है 18,000
46,600 और 220। देखते हैं ये कितना आ गया, ये आ गया 86,800, ठीक है। और इधर का आधा 36, तो इधर वाली साइड बड़ी, जिस जो साइड बड़ी होती है उसको हम टोटल में लिख देते हैं दोनों साइड। और देखिए अब कहाँ पे वो आ रहा है, यहाँ आ रहा है डिफरेंस, तो हम क्या खोल देंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे हमेशा आता है हमारा प्रॉफिट, तो ये आ जाएगा बाय सॉरी लॉस, बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। पार्टनर्स कौन कौन थे क्वेश्चन में हमारे, ओम श्याम एंड शांति, ओम राम और कौन थे शांति, ठीक है। और इनकी रेशो भी दे रखी थी हमें क्वेश्चन में, ओल्ड रेशो थे इनकी 3:2:1, मैं यहाँ पे रिमेंबर के लिए लिख देता हूँ 3:2:1, ठीक है। अब हम इसको इसमें से माइनस करेंगे सिंपली, और ये आ जाएगा हमारा 50,400। हाँ तो अब इसको हम तीनों में बांट देंगे, तो इसको मैंने डिवाइड करा 6 से, तो ये आ गया 8400, मल्टीप्लाई बाय 2 करा तो ये आ गया 16800, फिर मैंने इसको मल्टीप्लाई बाय 3 करा तो ये आ गया 25200। तो बस ये हमारा ख़त्म हो गया रिवॉल्यूशन अकाउंट, इतना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा सॉल्व हो गया, आगे हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 नेक्स्ट वीडियो में। हेलो गाइस, वेलकम टू साहिब नया अकाउंट्स क्लासेस। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5th, जो कि बहुत ही ईजी है। क्वेश्चन नंबर 5th में ज़्यादा कुछ नहीं लिखा हुआ, क्वेश्चन नंबर 4th में करवा ही चुका हूँ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5th, इसमें बस हमें ये देखते हैं क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5th है, इसमें है ए बी एंड सी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो ऑफ 2:2:1 एंड ऑन द रिटायरमेंट ऑफ सी द वेरियस एसेट एंड लायबिलिटी आर रिवैल्यूड एज अंडर। तो बुक वैल्यू इतनी है और रिवाइज वैल्यू इतना, रिवाइज वैल्यू मतलब कि बुक वैल्यू थी इतनी और अब मार्केट में ये वैल्यू हो गई उसकी, या फिर रिवैल्यूड वैल्यू। तो इसमें तीन पार्टनर है और ये रिटायर हो रहा है सी, हालांकि ओल्ड है तो इसको भी मिलेगा रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट लॉस जो भी होगा, ठीक है। तो बिल्डिंग की पहले हम देखते हैं बुक वैल्यू 35,000, 46 होगा रिवाइज वैल्यू, तो ये इंक्रीज़ हुई है डिक्रीज़ हुई, ये इंक्रीज़ हुई। अगर एसेट इंक्रीज़ होती है तो किस साइड आती है, इस साइड आती है, तो मैं डाल देता हूँ इसे इस साइड। किसके नाम से डालूँगा मैं, बिल्डिंग के नाम से, क्योंकि बिल्डिंग इंक्रीज़ हो रही है हमारी, ठीक है। तो कितने से इंक्रीज़ होती है, 35 थी 46 हो गई, ये हो गई 11,000 से इंक्रीज़। नेक्स्ट पॉइंट है स्टॉक का, स्टॉक है 15,000 का हो गया 13,000, तो ये डिक्रीज़ हुआ है। और अगर एसेट डिक्रीज़ होती है तो आती है डेबिट साइड, पर किसके नाम से आएगा, स्टॉक के नाम से, क्योंकि स्टॉक हो रहा है डिक्रीज़। यहाँ अकाउंट लिखना ज़रूरी है, कितने से हो रहा था 2,000 से, 15 था 13,000 हो गया था। चलो क्रेडिटर्स देखते हैं, 15,000 थे 49 हो गए, इंक्रीज़ हो रहे डिक्रीज़ हो रहे, ये हो रहे डिक्रीज़ हो रहे, कम हो रहे है ना। तो लायबिलिटी कम होती है तो कहाँ आती है, यहाँ पे आती है क्रेडिट साइड, किसके नाम से आएगा, क्रेडिटर्स के नाम से, क्रेडिटर्स अकाउंट कितने के हो रहे 1,000 के, ठीक है। तो दोनों के ऐसे टोटल किसका बड़ा आ रहा है, इस साइड का, तो इस साइड का मैं टोटल कर रहा हूँ 12,000 आ रहा है, तो इस साइड भी 12,000 आ जाएगा। कितने का आ रहा है यहाँ पे डिफरेंस, 12,000 में से 2,000 का 10,000, ठीक है। तो 10,000 किसको मिलेगा, तीनों पार्टनर को, तीनों पार्टनर कौन कौन थे, ए बी सी, और यहाँ पर क्या आएगा, टू प्रॉफिट ट्रांसफर, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इनकी रेशियो थी 2:2:1, ठीक है। तो हम इस 10,000 को इन तीनों में 2:2:1 में बांट देंगे, तो बताओ बच्चों कैसे बांटेगा, 2+2+4+1 5 को इससे डिवाइड कर देंगे तो 2,000 इसको मिलेगा, 4,000 इसको मिलेगा, 4,000 इसको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 5th कंप्लीट, ये सबसे सिंपल क्वेश्चन था वैसे।